तो अस्सलाम गाइस, जैसा को आपको पता है, ओ सॉरी आपको तो कुछ नहीं पता है, हाय ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जैसे कि तारिक मकसूद साहब हैं कि आज जाते कुछ बयान कर देते, तो वैसे ही मेरा दिल था मैं कुछ बयान कर दूं, बयान नहीं कर लूँ, सॉरी मैं बयान नहीं, मतलब एक कहानी है मौलाना साहब की तो मेरे दिल में थी, तो मैंने कहा कि आप लोग को बता दूँ। वो मैं वाकया सुनाता हूँ ना, तो सीन ऐसा था कि मैं आपको बता दूँ, तो चलो शुरू करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या कर। एक मौलाना साहब के घर पे एक बंदा आता है, तो बंदा मौलाना साहब के घर पे जाके बोलता है आज दोपहर की दावत हो हमारी तरफ से, तो आप घर पे खाना मत खाना, तो हमारे घर आ जाना। तो गांव का सीन था, तो मौलाना साहब घर पे क्या कहते, कल का टाइम आ जाता है, तो मौलाना साहब घर पे कहते हैं कि भाई आज मेरा खाना नहीं पकाओ क्योंकि मैं जा रहा हूँ खाना खाने बाहर, मुझे किसने दावत दी है। तो ठीक है, मौलाना साहब का घर पर खाना नहीं पकता है और सब खा लेते हैं, सब जैसे खाना खाने बैठते खाते, तो मौलाना साहब घर वालों को देख के तो उसको भूख लगती है, तो मौलाना साहब कहते हैं चलो वही दावत है, वहीं चल के अपना भी थोड़ा पेट पूजा कर लें। तो मौलाना साहब निकलते हैं, मौलाना साहब निकलते निकलते उनके घर तक जैसे ही पहुँचते हैं ना, टक टक करते हैं, हाँ भाई आ गए, मौलाना साहब को दुआ सलाम, बोलते हैं आप बैठ जाओ खाना बस पकने वाला है। तो उसमें थोड़ी देर थी, तो मौलाना साहब बोलते ठीक है जल्दी करो भाई बहुत भूख लगी है, मौलाना साहब कहते हैं। तो मौलाना साहब कभी लेटते हैं चरपाई में, कभी बैठते हैं, कभी पानी का जग पड़ा था बार बार पीते हैं, भाई भूख लगी है, आगे पीछे घूमते हैं। जैसे ही खाना आ जाता है, तो जैसे ही खाना खाने का टाइम आता है, खाना वाना सब कुछ रख दिया जाता है, तो मौलाना साहब चम्मच उठा के जैसे सालन निकालते हैं, तो वो मेहमान जिसने दावत दी थी तो वो बोलते हैं मौलाना साहब एक मिनट, बोलते हैं मौलाना साहब सोचते हैं अभी इसको क्या हुआ, बहुत भूख लगी है, उसके दौरान ही बोलते खाना के बाद बात करना, अभी खाने दो, बोलते एक मिनट मौलाना साहब फिर आप नाराज़ हो जाओगे। मौलाना साहब बोलते ये कौन सी बात है यार, तो ये सीन होते हैं ना, मौलाना साहब सोचते हैं ये कौन सी बात, बोलते बोलो क्या बोलना, बोलते हैं मौलाना साहब आपसे एक बात पूछनी थी, बोलते क्या, तो बोलते मौलाना साहब ये जो किसी की चोरी चीज़ खानी सवाब है, मौलाना बोलते गुनाह है। तो मौलाना साहब को बोलते जो सालन के अंदर चिकन है ना वो चोरी की है, तो मौलाना साहब बोलते ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये चोरी की है, तुमने मेरे सामने रखी क्यों, तुमने मुझे दावत चोरी की दावत दी, बोलते मौलाना साहब मेरे इतने पैसे नहीं थे तो मैंने चोरी की, तो मैंने बोला कुछ आपको हिलाल करेंगे तो हम दोनों खा लेंगे, क्योंकि उसने बहुत दिनों से चिकन खाई नहीं थी क्योंकि चिकन का रेट बहुत हाई चल रहा है, तो उसने बोला मैं गरीब बना तो चोरी की, हमने बोला मौलाना साहब को लाएंगे और हिलाल करके खा लेंगे, कुछ तरतीब निकालो, मतलब कुछ भी आइडिया वाइडे लगाओ कि इसको हलाल करे। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी को हिलाई मत बिठाने। मौलाना साहब बोलते सर नहीं होता है, गुस्से में था, अब मौलाना साहब गुस्से में चला जाता है, तो गेट के बाहर चला जाता है मौलाना साहब, चला जाते 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 फिर रस्ते में सोचते यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर पे भी बोल के आ गया हूँ खा लिया, अब मैं क्या करूँ। तो मौलाना साहब बोलते कुछ जेन करता हूँ कुछ जाता हूँ अंदर, तो मौलाना साहब कुछ आइडिया लगाता है और अंदर चला जाता है। जैसे मौलाना साहब अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाते ही बोलते ये चिकन चोरी की है, इसमें जो मसाला है वो किसका है, बोलते घर का है, पानी घर का है, आग चूल्हा सब कुछ बोलते घर का है, वो हिलाल का है। तो बोलते हैं मेरे को एक काम करो गोश्त हटा के शुरुआत दो, मौलाना साहब बोलते वो बंदा बोलते ये तो सारी शुरुआत फिर आपके लिए बनी है। वो क्या करते हैं प्लेट उठाते हैं तो उसमें शुरुआत डालने लगते, तो बीच बीच में सालन की बूटियाँ आती है गोश्त की चिकन की ना, तो चिकन की बूटियाँ आ रही थी, चिकन की बूटियाँ, तो वो शुरुआत डाल रहा था तो उसमें क्या है चिकन के पीस आ रहे थे प्लेट में, वो प्लेट से क्या कर रहा था फिर चिकन की चिकन निकाल के वापस डाल रहा था, फिर शुरुआत डाले फिर चिकन का टुकड़ा आ जाए प्लेट में, फिर वो निकाल के डाले, मौलाना साहब देख रहे उसके मुंह पर पानी आया, जैसे चिकन आते वो खुश होता फेटा, फिर मौलाना साहब को जैसे फिट डाला फिर चिकन आ गया, तो उसने चिकन निकाल के वापस डाला शुरुआत डाल रहा, तो मौलाना साहब गुस्से में मेरे को जानता नहीं है होगा, बोलते यही क्या है जो मेरे नसीब में चिकन आ रही उसको तो आने दो, वो तो आने दो, वो बोलते फिर ये तो सारी आपके नसीब में, ये सब कुछ डाल के मौलाना को दे लेते, मौलाना आराम से खा लेते दोनों बैठ के, फिर आखिर में मौलाना कहते जब भी आइंदा हराम की चीज़ पकाओ तो बताना नहीं, खाने के बाद ज़रूर बता देना, पहले मत बताना, क्योंकि पहले भी अब ये मैं सबक है जब भी कुछ चोरी करके लाओ, मतलब पहले
खा लें उसके बाद बताना कि ये चोरी की है। कैसे दिया है? नहीं दिया अच्छा है भड़वे। तो आपको कैसा लगा? कुछ अच्छा तो लगा होगा, नहीं लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। पोस्ट टाइम रहता है यार, कितना रहता है? 3000 घंटा रहता है यार। तो फरवरी तक का टाइम है, तो आप कर ले तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपकी मर्ज़ी है तो कर लें, अल्लाह चाहे तो हो सकता है इंशाल्लाह।